Assalamualaikum, मैं सुलेखा अरफात सुलेखाज किचन से। तो चलिए आज क्या बनाते हैं, आज बनाते हैं क्विकली इजी झटपट निहारी। आज मैं पैकेट की बना रही हूँ। वैसे मैंने घर के मसालों की भी रेसिपी बनाई है निहारी की, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आपके लिए, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी क्विकली। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटन निहारी बनाते हैं। चलिए, ये है 1 किलो मटन, चर्बी निकाला हुआ है, 2-3 पानी से धो के नितार कर मैंने ये बाउल में डाला है। अच्छा, थोड़े बड़े बड़े पीसेस किए हैं और मैंने यहाँ कैसे गोटियाँ ली है मालूम, आधी गोश्त को मैंने बोनलेस लिया और आधा जो हड्डियाँ और नलियों वाला, पर्टिकुलरली नलियों वाला मैंने लिया है, जिसपे थोड़ी थोड़ी बोटी लगी हुई होती है वो लिया है। आप आपके हिसाब से कोई भी कट करवा सकते हैं और कोई भी गोश्त ले सकते हैं। चलिए, अब एक कुकर के अंदर आधा कप तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून डाल दीजिए और इसे चलाते रहें बार बार और तब तक भूनिए जब तक अदरक लहसुन के कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। फास्ट आंच पर करिएगा और मैं तब तक बता देती हूँ, मैं यहाँ शान का निहारी ले रही हूँ, 60 ग्राम का है और मैं यूजुअली शान का ही पैकेट मंगाती हूँ। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाता है और नॉर्मली अवेलेबल भी है मार्केट के अंदर। चलिए, अब मैं यहाँ पर आधा छोटा चाय का चम्मच, जब भून जाता है तो आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो मत डालिएगा। और ये जो शान का पैकेट है, ये पूरा मैं मसाले का डाल देती हूँ, वैसे इनके इसमें स्पाइस रहता है। हाँ, चलिए एक बार मिक्स कर लिया, चूल्हा मैंने स्लो कर दिया और ये जो गोश्त मैंने धो के रखा था ये डालकर चूल्हा मैंने मीडियम आंच कर दिया और क्विकली इसे मिक्स कीजिए, नहीं तो हमारा जो लाल मिर्ची का पाउडर अगर आपने भी डाला है तो जल ना जाए। चलिए, अब बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और मीडियम आंच पर तब तक फ्राई करें बार बार चलाते हुए जब तक तेल नहीं छूट जाता। 3-4 मिनट लगेगी, जब 3-4 मिनट में इस कदर तेल छूटने लगे तब डाल दीजिए 4 कप पानी और इससे सीटी का, ये कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और 1-2 सीटी फास्ट आंच पर खिला लीजिए। जब 1-2 सीटी फास्ट आंच पर हो जाए तो स्लो आंच करके तकरीबन 15-20 मिनट इसे पकने दीजिए स्लो आंच पर। अच्छा, अगर आप पतीली में बना रहे, प्रोसीजर एकदम सेम रहेगा। आप पानी चाहिए तो थोड़ा सा, ये 4 कप के बजाय 5 या 6 कप डाल सकते हैं और इसे ढक कर धीमी आँच पर रहने दीजिए तकरीबन 1.5 घंटा या 1 घंटे जितना, स्लो आँच पर पकाइएगा, बट मैं कुकर में पका रही हूँ। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, कुकर का चूल्हा बंद कर दीजिए और उसे रूम टेम्परेचर पे आ जाने दीजिए। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर 5 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल दीजिए और 2 कप पानी डालकर बहुत अच्छा एक घोल बना लीजिए, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहे हैं। और मैंने यहाँ पर भूना नहीं है, आप चाहें तो भून भी सकते हैं, थोड़ा सा तवे पे भून लीजिए या फिर आप इसके बजाय हमारा आटा, ये जो नॉर्मल गेहूं का आटा लेने के बजाय आप मैदा भी ले सकते हैं। तो चलिए, इसे मैं मिक्स करके साइड पर रख देती हूँ। कुकर रूम टेम्परेचर पर आ चुका है तो अब यहाँ पर मैं खोल लेती हूँ और आप देख सकते हैं तेल ऊपर है। और सबसे पहले तो गोश्त चेक कर लीजिए, ये देखिए अच्छे से, बहुत अच्छे से गल चुका है। मैं दूसरा भी देख लेती हूँ, बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो ऊपर आप जो तेल देख रहे हैं ना, इसको मैं हल्के से निकाल लेती हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, आप जब आटा डालोगे ना, ये सारा तेल बिखर जाएगा और जब तेल बिखर जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको सर्व करने में, और वो खूबसूरती तो तेल में ही होती है सच बताऊँ तो। हमने वैसे भी ज़्यादा तेल डाला नहीं है, बट जो भी आपको ऊपर जितना भी लगे ना, वो ले के एक प्याले में निकाल कर उसे साइड पर रख दीजिए, हम एंड में डालेंगे। चलिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए कुकर का और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तो आपने जो साइड पर अभी घोल बनाकर रखा है आटे का, उसे सबसे पहले एक बार मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद इसे छानते हुए इसमें डाल दीजिए। अच्छा, मैंने जो ये छन्नी ली है ये बहुत छोटी है तो बेटर ये रहेगा कि आप, इसमें भी हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगेगा। अब आपको थोड़ा सा क्विकली करना है तो नॉर्मल जो हमारी छन्नियाँ आती है ना, जिसमें हम चावल वगैरह छानते या कोई भी चीज़ छानते, वो वाली छन्नी से करोगे तो क्विकली हो जाएगा। तो जब आप ये सारा डाल दें तो 1-2 बार इसे बार बार चलाते रहें, क्योंकि क्या, ये जब आप आटा डालते हो ना, ये वाला मिक्सचर, तो वो नीचे सेटल हो जाता है, नीचे सेटल हो जाता है तो नीचे गोला बन के चिटकने का डर रहता है। तो हमें चाहिए कि इससे ये जो थिकनेस है वो आए हमारे ग्रेवी के अंदर, तो बार बार हमारे जो सालन को है आप बार बार चलाते रहिएगा और 2-3 मिनट तक मीडियम आंच पर उसे पकने दीजिए। 2-3 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पर मैं इसे साइड पर रख देती हूँ
और पीछे, और वहाँ का चूल्हा चालू करके स्लो आंच पर रख देती हूँ। और यहाँ मैंने फ्राई पैन डाल दिया है। फ्राई पैन के अंदर आप 4-5 टेबल स्पून असली घी का डालें, आप असली घी ही इस्तेमाल करें ये याद रखिएगा। और इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करके डाल दें, और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई करें। तब तक फ्राई करें जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, तब तक। कुकर देख सकते हैं आप, स्लो पर रखा है, और ये रही हमारी प्याज फ्राई हो रही है। ये वाली छन्नी बोल रही थी, आप जब लेंगे ना तो ये वाली लीजिएगा। चलिए, प्याज जब फ्राई हो जाती है इस तरीके से, तो इसे साइड करिए, और उसी समय आप आपकी जो कुकर है उसे ले लीजिए, इस पर रखिए चूल्हे के ऊपर, चूल्हा स्लो कर दीजिए। और ये जो प्याज जिसमें आप फ्राई कर रहे थे, मतलब जो फ्राई पैन है, उसके अंदर 1/4 छोटा चाय का चम्मच क्विकली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिए, क्विकली मिक्स कीजिए और क्विकली उसी समय डाल दीजिए। ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिएगा इन सारी चीज़ों में, और हमारी ग्रेवी में डालकर एक बार चला लीजिए। और ग्रेवी का थोड़ा जो पोर्शन है आप हमारे फ्राई पैन में डालें और उसके अंदर चलाकर डाल दीजिए। अच्छा, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वाला स्टेप है जो आप प्याज में डालोगे बिरिस्ते के अंदर, जो लास्ट में हम करते हैं, वो बहुत ही क्विकली करना है, नहीं तो क्या होगा ना, वो जो असली घी जब आप डालते हैं वो गरम गरम रहता है, उसमें अगर आप लाल मिर्ची का पाउडर डालोगे ना, वो जल सकता है, ज़्यादा फ्यू सेकेंड्स रह गया आपसे, तो क्विकली करना है आपने वो। चलिए, अब यहाँ एक वे मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो तेल आपने साइड पर रखा था ये सारा इस समय डाल दीजिए, ढाक दीजिए और स्लो आंच पर तकरीबन 10-15 मिनट पकने दीजिए, क्योंकि हमने आटा डाला है तो वो भी पकना चाहिए ना। चलिए, 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने कर दिया चूल्हा बंद, और ये देख सकते हैं आप, ये देखिए तेल आ गया ना ऊपर। तो वो एक तरीका है कि आप तेल निकाल कर फिर बाद में दम पर रख रहे हैं 10-15 मिनट के लिए, तब आप तेल डाल सकते हैं। या दूसरा वे मैं आगे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आधा तेल डाल दिया और आधा रहने दिया था, मैंने टेस्ट किया, बहुत ही मज़ेदार है। अब इसे गर्मा गर्म आप एक प्याले में निकालें क्विकली, और चाहे तो रोटी, पराठा, फुलका, बटर नान, बटर नान के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे बटर नान की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा, उसके साथ सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ये जो रेडीमेड मसाला था ना, इसके अंदर निहारे वाले में सारी चीज़ डाली हुई होती है, तो मैंने लाल मिर्ची का पाउडर जो डाला है वो ऑप्शनल था, थोड़ा सा स्पाइसी इस समय हो जाएगा, आप टोटली स्किप कर सकते हैं। जो स्टार्ट में जब गलाने के टाइम पे हमने डाला था गोश्त के टाइम पे, आप वो टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन एंड में जब आप प्याज के साथ बिरिस्ता करते हैं तब आप डालिएगा, क्योंकि ऊपर जो ये तरी है ना उसी से ही और ज़्यादा बेहतर आएगी। अच्छा, अब आप इसको जो साइड पर मैंने रख दिया था, अगर आपने वो वाला स्टेप नहीं किया है कि आपने तेल सारा डाला नहीं है उस समय, तो यहाँ इस तरीके से आप डाल सकते हैं बचा हुआ तेल, तो देखिए तो खूबसूरत लगता है ना इस तरीके से। अब इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ी सी लंबी लंबी कटी हुई अदरक डाल दें, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया यानी कि कोथमीर डाल दीजिएगा, और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो हरी मिर्चियाँ मत डालिएगा, और जो स्टार्ट में हमने लाल मिर्ची का पाउडर डाला है वो भी अवॉइड कीजिएगा। कंसिस्टेंसी मुझे परफेक्ट लग रही है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जब आप 5 टेबल स्पून का घोल बनाते हो आटे का और उसको डालते हो और पकाते हो 1-2 मिनट फास्ट आंच पर, तभी आपको पता चल जाएगा कि आपको कम लग रही है। अगर कम लग रही है तो 1.5-2 टेबल स्पून पानी में घोल बना लीजिए फिर से, और वो उसी समय डालकर 1-2 मिनट उसे फास्ट आंच पर पका लीजिएगा, और जो डिजायर्ड कंसिस्टेंसी मिले तो स्लो आंच करके आगे का प्रोसीजर कीजिएगा। तो है ना क्विक और मज़ेदार रेसिपी, आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप बनाए हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार मज़ेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।